व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स आ रही है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिफ्यूज़ल्स की फाइलें आ रही हैं, मतलब 10 अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें से 7 रिफ्यूज़ल्स आ रही है और 3 जो है वो एक्सेप्टेंस आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि आप अपनी फाइल दोबारा अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकूँ, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और जो ये लाइक का बटन आ रहा है, इसको जरूर क्लिक कर दिया करो। कितनी देर लगती है, लाइक करो यार, और भाई को मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। आज बात करता हूँ रिफ्यूज़ल्स की। रिफ्यूज़ल्स जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा एक तो क्वेश्चनिंग सी आ जाती है मन में कि हमारी रिफ्यूज़ल क्यों आई है, कि हमारी तो सारी फाइल अच्छी थी। और ऊपर से जो इनका इमिग्रेशन वालों का जेनरिक रिफ्यूज़ल फॉर्म होता है, एक जेनरिक रिफ्यूज़ल पीडीएफ आती है, फॉर्म नहीं, जो पीडीएफ जनरेट होती है जेनरिक, वो उसमें लिखा होता है कि मिसिंग मार्कशीट, लो ग्रेड्स, ऐसे लिखा होता है। तो 1% के लिए ऐसे लगता है कि हमारे एजेंट ने भाई ट्रांसक्रिप्ट या कोई मार्कशीट नहीं लगाई, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ गई है। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो जेनरिक रिफ्यूज़ल लेटर होती है। जैसे इमिग्रेशन को बहुत सारे रिजल्ट देने होते हैं एक दिन में, तो वो उसके ऊपर सिर्फ नाम एड्रेस वगैरह एडिट कर देते हैं और वो आपके अकाउंट में अपलोड कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके एजेंट ने कुछ गलत अपलोड कर दिया या कुछ भूल गया वो अपलोड करना, सो ऐसा कुछ नहीं होता, वो जेनरिक होती है। अगर वो रिफ्यूज़ल लेटर में लिखने लग गए कि कैसे कैसे किस लिए रिफ्यूज़ल हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिजल्ट्स को देने में, क्योंकि इनके पास बहुत सारी फाइल होती है। हम सिर्फ सोच के चलते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से फाइल्स आ रही हैं, बट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से फाइलें आती हैं इनके पास। सो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, और इसीलिए वो जेनरिक जो इनकी पीडीएफ है रिफ्यूज़ल की, वो उसमें एडिटिंग करके भेज देते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना, घबराने वाली बात नहीं है, रिफ्यूज़ल्स आ गई, इट दैट इज़ ओके, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो देखो कि आपके आयल्स में कितने स्कोर थे, क्योंकि इंग्लिश की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसको बहुत ज़्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट मैटर करती है, देखती है। आपके अगर सब में 6 हैं, सब में 6 हैं तो आपकी फाइल सही है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है देन ओवरऑल 6.5, 6.5। अगर आपने 12th की हुई है देन 6। अगर आपका गैप है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद देन ऑल्सो 6.5। अगर आपके एक में 5.5 हैं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आप अपनी आयल्स की प्रेपरेशन दोबारा से शुरू कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी आयल्स की वजह से जब वो फाइल नॉन एसडीएस में चली जाती है, 5.5 में नॉन एसडीएस में चली जाती है, नॉन एसडीएस में जाने के बाद थोड़े से रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और आजकल मानो ना मानो बट 5.5 वालों की बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही है। 90% रिफ्यूज़ल 5.5 वालों के हैं जिनमें जिनके एक में 5.5 है। सो अगर आपके एक में 5.5 हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आयल्स कर लो। और ये मत सोचना कि हमने 2 बार आयल्स कर ली, 3 बार आयल्स कर ली, हमारे तो 5.5 ही आ रहे हैं, हमने 4 बार आयल्स कर ली। जिसने कनाडा आना है पक्का इरादा बना के आना है और पक्का आयल्स करनी ही करनी है, कोई बात नहीं, चौथी बार नहीं आई, 5वीं बार क्या पता आ जाए आपके। सो ट्राई हार्ड, स्टडी करो, कंसंट्रेट करो, प्रैक्टिस करो और आयल्स एग्जाम दोबारा दो और सब में 6 लेके आओ, ठीक है। तब आप अपनी फाइल रीअप्लाई करो या अपनी फाइल अप्लाई करो। इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको देखना है कि आपका जो आपने पुरानी स्टडीज जो ली थी, जो आपने पुरानी स्टडी की है, उससे रिलेटेड कोर्स आपको मिला था क्या, नहीं मिला था? अगर उससे रिलेटेड कोर्स आपको नहीं मिला था देन आपको उससे रिलेटेड कोर्स लेना पड़ेगा, फिर आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज करो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है, और मुझे आईटी के कोर्स में डाल दिया, सो फ्लक्चुएट करती है, साथ में मिली नहीं रही मेरी स्टडीज, तो कैसे वीजा दे देंगी? कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ये चीजें बहुत ज्यादा देखती है। कोई एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एक फाइल आई, 2 बार रिफ्यूजल हुआ हुआ था उसका, और उस लड़के ने बीए कर रखी थी इंडिया में। जब उसकी फाइल पहले एजेंट ने लगाई तो पहले एजेंट ने उसका एक्सपीरियंस जो था, आई डोंट नो क्या किया उसने, उसका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर का एक्सपीरियंस जो बना के और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फाइल डाल दी। बीए कर रखी है, फाइनेंशियल का एक्सपीरियंस बना के एचआरएम में फाइल डाल दी, रिफ्यूज़ल आ गई।
दूसरे एजेंट ने तो फॉर श्योर आप चेंज नहीं कर सकते ना, आपने जो एक बार सबमिट कर दिया वो चेंज नहीं कर सकते, दूसरे एजेंट ने भी सेम लगा दी और रिफ्यूजल आ गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि देखो वो फाइल ख़राब होगी, उसके वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। आप अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दोगे तो फाइल ख़राब हो जाती है, अगर आपने जो चीज़ सबमिट कर दी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अपने कोर्स का और जो आपने पुरानी स्टडीज़ की है या आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें मतलब चेंजेस हैं या सेम है, तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा शो करवाओ कि जिससे आपका सब कुछ सेम लगे। जैसे किसी ने बीएड कर रखी है, उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में वीज़ा पक्का आएगा ही आएगा। सो ऐसे जो लाइन वाइज चलता है उनके वीज़ा पक्का आते ही आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी आयल्स होगी, आपकी स्टडीज से मैच करती हुई स्टडीज होगी। अगली बात जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है वो चल रही है कि आपने ITR, जब आपकी नॉन SDS में फाइल लगी थी आपने ITR या फंड्स कितने शो किए थे। फंड्स भी इतने मैटर नहीं करते बट ITR बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती है, बिकॉज कनाडा में टैक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। तो वही चीज़ वो देखती है कि दूसरी कंट्री से जब लगा रहे हैं तो वो चीज़ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलोअप करते हैं। और ITR अगर आपकी सही नहीं है, इतनी इनकम नहीं बन, तो वो भी आप एक चीज़ समझ सकते हो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल को कंसीडर करती है वो भी। और अगर आपके आयल्स भी अच्छे हैं, आपकी कोर्स भी सही है, आपका एक्सपीरियंस भी सही था, और या मतलब सारा कुछ सही है, आपको लग रहा है कि मेरी फाइल पूरी परफेक्ट थी, कुछ गलत नहीं था उसमें, इन दैट केस कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउ यू टू रीअप्लाई, आप रीअप्लाई कर सकते हो या फिर आप केप्स नोट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप केप्स नोट अप्लाई करोगे, सिर्फ $5 जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन की फीस है केप्स नोट अप्लाई करने की। उसमें क्या होता है कि एक महीना लगता है और एक महीने के बाद ऑलमोस्ट 35 to 40 pages की PDF जनरेट होती है, उसमें A to Z सब कुछ लिखा होता है कि आपकी फाइल कब लगी, कैसे लगी, कहाँ गई, किसने रिकॉर्ड किया और सब कुछ, एवरीथिंग। और एट द एंड अगर आपके रिफ्यूजल आई थी तो एट द एंड लास्ट के सेकंड लास्ट और लास्ट पेज पे हमेशा जो मेन रीजन होगा रिफ्यूजल का वो लिखा होगा, आप उसको फॉलो अप करके और अपनी फाइल को रीअप्लाई कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं जब कहता हूँ कि केफ्स नोट अप्लाई कर लो तो वो कहते हैं भाजी इनू तो 1 महीना लग जाना, बिरे 1 महीना लग जाना, बट 1 महीने में जो पता लग जाएगा रिफ्यूजल का रीज़न क्या था और उसको फॉलो अप करते हुए उसको सही करते हुए हम अपनी फाइल लगा सकते हैं इमिग्रेशन में एंड देन वीज़ा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का मैटर जरूर करता है बट लाइफ बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। अगर 1 महीना वेट कर लोगे, अगर लाइफ आपकी बढ़िया ही हो जाएगी, कनाडा का वीज़ा लग जाएगा। सो इट्स बेटर टू वेट 1 month देन टू नॉट गेट द वीज़ा। ये जो मैंने आपको रीजन बताया ये मेन मेन रीजन्स हैं। आप अपनी आयल्स पे कंसंट्रेट करो, अच्छे बैंड लो यार, 5.5 एक में है तो आपको एजेंट जरूर कहेगा हम वीज़ा दिलवा देंगे। हाँ जब 10% के वीज़े आ रहे हैं आजकल पर 90% रिफ्यूजल्स आ रही हैं, बता नहीं रहे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही हैं इस टाइम पे। मॉन्ट्रियल की स्पेशली नॉन SDS में फाइल लगी हुई थी लोगों की, लोग सोच रहे थे कि 5.5 बैंड है, मॉन्ट्रियल में फाइल लगा दो, मॉन्ट्रियल में वीज़े आ जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिफ्यूजल जिस टाइम मॉन्ट्रियल की आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी फाइलें पिछले 1 साल से अड़ी हुई थी, वीज़े आ रहे हैं, 2 वीज़े आ रहे हैं, 8 रिफ्यूजल्स आ रही हैं। तो यही रीज़न है कि वो देख रहे हैं कि जिसकी आयल्स अच्छी है। अब क्या हुआ कोरोना के टाइम पे जब फाइलें रुक गई तो 2500-3000 फाइलें इकट्ठी हो गई उनकी। अब जब 2500-3000 फाइलें इकट्ठी हुई उसमें से 1000 फाइलों के आयल्स में नंबर है 6666, सब में 6 या 6.5 ओवरऑल, और बाकी 1500 के हैं 5.51 में नॉन SDS में फाइल लगी हुई है। उस 5.51 नॉन SDS में से 90% फाइल्स जो हैं वो रिफ्यूजल्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंड कम है, उनकी फाइल अच्छे से नहीं लगी हुई, उनके ITR कम है, या जो मैंने रीज़न बताए हैं वो है। आप अगर रिफ्यूज़ल फेस कर चुके हो और आपको लग रहा है कि आपके आयल्स में बैंड कम थे या ये इन सारे चीज़ों का रीजन्स था, और अगर ये भी लग रहा है कि मेरी फाइल अच्छी थी, पूरी सही थी, तो केप्स नोट अप्लाई कर लो। केप्स नोट अप्लाई करने के बाद आपको सारा सच, दूध का दूध पानी का पानी उसमें दिख जाएगा, देन यू कैन रीअप्लाई योर फाइल अगेन एंड यू कैन गेट द वीज़ा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, यही शेयर करना चाहता था।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना आगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना यार, एंड ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो। अटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।